नए वर्ष का पहला सत्संग शायद यही सूचना दे रहा है कि इतने विक्षेपों के बीच में भी हमारे सत्संग के रंग में भंग नहीं पड़ेगा, चाहे कैसा भी विक्षेप हो, चाहे ठंड का विक्षेप हो, चाहे ट्रैफिक का विक्षेप हो, चाहे नीचे इतना शोर चल रहा है इसका विक्षेप हो, लेकिन हमारे रंग में कोई भंग नहीं डाल सकता। और जिसने परम का शरण लिया, जिसने सद्गुरु का शरण लिया, जिसने बड़े पुरुषों का, पुराण पुरुषों का शरण लिया, उनके रंग में भंग पड़ कैसे सकता है? यही तो इन लोगों ने गाया। चार बातें मुख्य रूप से आई इस भक्ति में, मैं सुन रही थी ध्यान से, कि राज तेरा शरण भव्य जीवों को भगवन बनावे। यदि भव्यता है ना, भव्यता यानी मोक्ष की चाह, मोक्ष की चाह यानी कोई सिद्धशिला पर ऊपर जाना है, ऐसी कोई चाह नहीं है ना। अपने अपने दोषों से अकुलाया हुआ जीव, अपने दोषों से थका हुआ जीव, अपने दोषों से, खुद अपने से परेशान जो हुआ है, कह रहे मेरी ये बुरी आदतें, मेरा ये झूठ, मेरा ये धोखा, मेरा ये भूलना, मेरा ये अजागृति, मेरा ये सामान्यपना, ये कब जाएगा, ये सब कब जाएगा? इस अपने दोष से जो थका हुआ है, जो उससे मुक्ति चाहता है, वो मुमुक्षु है और वो भव्य जीव है। ऐसे भव्य जीवों को भगवान कहते हैं कि राज तेरा शरण भव्य जीवों को, यानी जो छूटना चाहते हैं ऐसे भव्य जीवों को भगवान बनाता है, ये गारंटी लेते हैं। ये भक्ति में चार बातें बोली, बहुत बढ़िया। राज तेरा शरण भव्य जीवों को भगवान बनावे, राज तेरा स्मरण सिद्ध पद की तमन्ना जगावे। कहाँ थी तुम में ये तमन्ना भी माधव प्रभु, तुम सिद्ध होने की तमन्ना से आए थे यहाँ? नहीं, पहले तो ये माहौल अच्छा लगता था इसलिए आ गए थे, यहाँ के लोग अच्छे लगते थे इसलिए आ गए, फिर थोड़े थोड़े तुम्हें बेन प्रभु भी अच्छे लगने लग गए इसलिए आ गए, फिर बेन प्रभु की बातों में कुछ तर्क संगति महसूस हुई इसलिए पड़े रहे, लेकिन ये थोड़ी सोचा था कि ये पड़े रहते रहते सीधा सिद्ध पद की तमन्ना जाग जाएगी, किसे पता था? इस रंग में रंगते 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 उस परम संग के अंदर खो जाओगे, ऐसा तो तुमने भी नहीं सोचा था और मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने लोगों को सिद्ध पद की तमन्ना जाग जाएगी, मैंने भी ना सोचा था। फिर तीसरा कहते हैं राज तेरा वचन, क्या कहा गया था? भवसागर से पार करावे, वचन यानी तेरी आज्ञा। आपकी आज्ञा जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, भले खाली अंबालाल भाई की पढ़ रहे हैं, लेकिन मोर देन एनफ, अंबालाल भाई को भी जो आज्ञा दी है वो भी हमारे जीवन में उतर आए तो एनफ है। भव सागर को से पार करावे। और चौथा कहा राज तेरा जीवन विषयों से विरक्ति दिलावे, उनके जीवन पर दृष्टि डल जाए, या जहाँ से ऐसे वचनामृत उभर उभर के आ रहे हैं उस जीवन का चिंतन हो जाए, या इन वचनामृतों की आज्ञाएं भी जहाँ से विस्तार पा पा के आ रही है उस जीवन का भी स्मरण हो आए ना, तो ये विषयों से तुम्हारी विषय लंपटता है, विषयों की आसक्ति है, वहाँ से तुम्हें वापस ले आए। तो चार निश्चय है कि भव्य जीव हो तो भगवान बना के करने का कार्य गुरु की शरणागति करता है, उनका स्मरण सिद्ध पद की तमन्ना जगाता है, जिस तमन्ना से तुम आए नहीं थे यहाँ, लेकिन धीरे धीरे वो तमन्ना जागृत हो रही है ना। कामना नहीं कहा, देखो बड़ा अच्छा शब्द लिया, काश कामना कहते तो अभी इस भक्ति के ऊपर क्रॉस लग जाता, काम हमें तो निष्काम होना है, लेकिन तमन्ना ये अलग बात है, कामना और तमन्ना के बीच बहुत बड़ा भेद है। फिर उनका वचन और उनका जीवन ये सब भवसागर से पार कराएं, और हमारे जीवन में बीच विषयों के प्रति का, संसार के प्रति का जो आकर्षण पड़ा है उस आकर्षण से भी हमें आज़ाद करा दें। और ये तुमने देखा ही है, इतने वर्षों से आते आते, इतने नए साल मेरे साथ बनाते बनाते, तुम देख रहे हो विषयों का आकर्षण स्वयं छूट रहा है, स्वयं खत्म हो रहा है, क्योंकि
इंद्रियों को और मन को चाहिए आनंद, सुख। वह सुख के लिए बाहर घूमता है, दूसरों को अपना बनाने की कसम खाता है, जैसे खा रहे हैं ना नीचे अभी पैरेलल, मुझे तो सब सुनाई देता है। तो वह दूसरों को अपना बनाने की कसम खाते हैं। किस लिए, किस लिए कसम खाई जाती है? सुख के लिए, और क्या। लेकिन जब वही सुख तुम्हें सद्गुरु के रंग में, उनके संग में, उनकी उनके सत्संग में मिलने लगे, तो ये इंद्रियों और मन भी इतने मूर्ख नहीं है कि अब संसार की तरफ भागेंगे, ये भी इतने समझदार है। और अभी हम लोग कुछ दिनों पहले कुछ भक्ति गा रहे थे, तो हम चार पांच लोग बैठ के ही, तो मैं, प्रकाश प्रभु और पारुल प्रभु लोग ही थे, तो मैं उनको बता रही थी कि वर्षों पहले ये लाइंस मेरी फेवरेट लाइंस हुआ करती थी, कि उसके अंदर गाया है, रैदास या किसी की ही भक्ति है, कि जिसे स्वप्न में भी सद्गुरु का संग मिल जाए, स्वप्न में भी, तुम स्वप्न में तो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन कहते हैं जिसे स्वप्न में भी कोई सच्चे गुरु का भेंटा हो जाए, संग मिल जाए, उसे ना गमे संसारिनो संगरे। स्वप्न में भी सद्गुरु का रंग या उनका संग मिल जाए, उसको फिर वास्तव में स्वप्न से जाग जाए ना, उसके बाद भी संसारी का रंग मोहक नहीं लगता। जाना पड़ता है, शादी होगी घर में अभी 4 फरवरी को, तो जाना पड़ेगा, लेकिन उस रंग में मोहित नहीं हो जाता। और मैंने तो इसलिए उस दिन सत्संग रखा ही नहीं, क्योंकि आधे सत्संग ही तुम्हारे यहाँ चले जाएंगे शादी में, लेकिन कौन कितना रंग में रंगा है ये अपने आप ही प्रमाणित होगा। कि अब कहीं रंगने जैसा, कहा ना, ये मन और बुद्धि भी इतने होशियार है कि जिसे साचा रंग लगा वो झूठे रंग में अब क्यों स्वयं को धोखा दे। लेकिन इस यात्रा के कुछ प्रमुख पड़ाव है, इस यात्रा के कुछ ढंग है, और हमारे शास्त्रों में भी इस यात्रा के 5 आचरण कहे हैं, 5 आचार, पंचाचार के नाम से बड़ा फेमस है, ज्ञान आचार, दर्शन आचार, चारित्र आचार, तप आचार, वीर्य आचार। मतलब जीवन इन 5 आचरणों के आधार पर हमारा निश्चित होना चाहिए। और उन्हीं 5 आचरणों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस साल का जो पहला ब्लॉग लिखा, वो आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रेजोल्यूशंस आधो ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बाई चांस उस दिन मेरा को इंग्लिश में लिखने का मन कर गया, तो मैंने इंग्लिश में लिखा। लेकिन कुछ संकल्प, रेजोल्यूशंस मतलब संकल्प स्वयं से करना होगा। भव्य जीवों को भगवंत बनना है तो रास्ते में संकल्प की भूमिका चाहिए। तुम खाली ऐसे सोचते सोचते भगवंत नहीं बन जाओगे, तुम्हें 5 प्रकार के आचरण चाहिए होंगे, ज्ञान आचार, श्रद्धा आचार, दर्शन आचार, चारित्र आचार, तप आचार और वीर्य आचार। ये शास्त्रीय भाषा में बड़े टफ लगेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं आज बेन प्रभु, लेकिन मैंने इसी बात को इन 10 रेजोल्यूशंस 10 संकल्पों के माध्यम से तुम लोगों को 31 तारीख या 1 तारीख को, आई थिंक 1 तारीख को ये ब्लॉग पोस्ट हो गया था। काफ़ी लोगों की ईमेल्स भी आई कि बेन प्रभु बहुत अच्छा किया आपने, वापस हमें रिमाइंड कर दिया कि हमें करना क्या है। तो मैं चाहूँगी एक बार आप लोगों को भी रिमाइंड करके फिर हम इस सत्संग की यात्रा को आगे बढ़ाएं, हाँ कि ना? yes. तुम कहो तो बोलूँ, उन्हें तो ठीक है। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हर साल 1 तारीख को ना ये वाला डाल ही देना तुम, क्योंकि हर साल यही रहेगा और नया क्या आएगा। भाषा नहीं हो सकती है, लेकिन जो प्रयोजन है वो तो वही का वही रहेगा। दस संकल्प मैंने डाले थे पहले ही दिन, 31 को रात को लिखा, और बस यही लगा कि सबके पास ये बात होनी चाहिए, सबके, तुम्हारे कोई स्टडी टेबल हो, तुम्हारा कोई डायरी हो, उसके अंदर ये 10 पॉइंट्स, ये साधना है तुम्हारे जीवन की। तुम्हें अगर जीवन जीना है, भव्य रहकर भगवान बनना है, तो ये सत्संग वगैरह तो ठीक है, आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारा ये संकल्प, ये रेजोल्यूशंस जो है, ये 10 के 10 के ऊपर कीप चेक कि ये 10 है कि नहीं। उसमें पहला ही संकल्प मैंने दिया था, बी हेयर नाउ, यही प्रेजेंट में, जितना हो सके प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में। ये कोई नई खबर नहीं है, 10 के 10 संकल्प कहीं ना कहीं किसी ना किसी सत्संग में कह रखे हैं,
वर्तमान में अधिक से अधिक जीने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन का अनुभव न भूतकाल में है न भविष्य काल में है। जीवन का अनुभव कहाँ है? प्रेजेंट में। जीवन का अनुभव न भूतकाल में तुम्हें मिलने वाला है न तुम्हें भविष्य काल में मिलेगा। भूतकाल की मेमोरीज हो सकती हैं, मैं पेरिस गई थी घूमने, मैं शिमला गया था, मैं उदयपुर गया था अभी घूमने, उसकी मेमोरीज हो सकती है, लेकिन अनुभव कहाँ होगा? वर्तमान में। और इस अनुभव के लिए, इस अनुभव के लिए ही तो तुम तत्पर हो। तुम केवल मेमोरीज के लिए तत्पर नहीं हो, तुम अनुभव पाने के पिपासु हो। और उसके लिए, अनुभव के लिए केवल एक ही क्षण है, और वो कौन सा है? राइट नाउ हेयर। सो पहला दिया, बी हेयर नाउ, गिविंग ट्रिब्यूट टू अवर अचीवमेंट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ पास्ट ईयर। श्रद्धांजलि दो उन्हें, गिव ट्रिब्यूट। जो तुमसे भूले हुई उनको भी बाय बाय करो, और जो तुमने अचीव किया उसको भी टाटा करो। और जीना कहाँ है तुमने? इस वर्तमान में। अभी मैं कौन हूँ, कैसा हूँ? दूसरा दिया, सेट अ हायर पर्पस। बार बार कहती हूँ, खाली खाना पीना कमाना घूमना सोना फिरना ये सब तो हमारे जीवन का बहुत बहुत निम्न लक्ष्य है। हमारे जीवन का कुछ उच्च लक्ष्य साधो, कि यदि हम मनुष्य बने हैं तो मनुष्य में से भव्य बने, और भव्य में से किसी सद्गुरु की शरणागति में जाके भगवान बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। खाली खाना पीना सोना ये नहीं, इवन सत्संग में आने तक का भी लक्ष्य तुम्हारा अधूरा लक्ष्य है। सत्संग में जो कहा है यानी जो तुमने सुना है, उस सुनने को समझना मत मान लेना। मैं कई बार कहती हूँ, सुनना इज नॉट इक्वल टू समझना। सुनने के बाद करा और करके जो अनुभव हुआ उसे समझना कहते हैं, लेकिन हम लोग तो शॉर्टकट मानने में माहिर है ना। हम क्या करते हैं, सुन लिया मतलब हमें समझ में आ गया। सुनने के बाद जो भी तुमने सुना है उसको जब किया, यानी बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, या आज तुमने सुना और सुनने के बाद इसका आचरण किया, आचरण करके तुम्हें जो अनुभव हुआ इसे सुनना कहते हैं, इसे समझना कहते हैं। और हम समझना किसको मान लेते हैं? मैं पिछले अभी एक आध सत्संग में कह रही थी कि ये तो तुम्हें हिंदी आती है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सत्संगों को समझ रहे हो, पर वास्तव में भाषा से कोई लेना देना नहीं है। जो हम कह रहे हैं जब वो तुम अप्लाई करते हो और अप्लाई करके जो एक्सपीरियंस होता है उसको समझना, और उसी को वास्तविक श्रवण सुनना भी उसी को कहते हैं। तो सेट अ हायर पर्पस। हायर पर्पस, द टर्म हायर पर्पस डिफाइंस एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग लिव्ड और परमानेंट हैप्पीनेस। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? हमारा पर्पस, हमारा एम, उद्देश्य, हमारा आनंद लंबा होना चाहिए। लंबा करते करते फिर हम इसे बहुत लंबा कर देंगे, परमानेंट कर देंगे, लेकिन कम से कम लॉन्ग लिव्ड तो हो। अभी हमारा सुख कैसा होता है उसे कोई भी नोट सकता है, कोई भी झपट सकता है, कोई भी छीन सकता है। जीवन का द्वंद है सुख और दुख, तुम इससे संघर्ष नहीं कर सकते। लेकिन सुख और दुख में हम इतना संकल्प जरूर कर सकते हैं कि मेरे दुख से ज़्यादा सुख हावी होगा मेरे जीवन पे। ये निश्चय कर सकते हो कि नहीं? अभी हमारे जीवन पे दुख हावी है, हाँ कि नहीं? कभी किसी ने, कभी ट्रैफिक ने रुला दिया, कभी किसी एम्प्लॉय ने रुला दिया, कभी कलीग ने रुला दिया, तो कभी किसी घर के झगड़े से हम परेशान हो गए। किसी न किसी कारण से दुख हमारे जीवन में को रूल कर रहा है। तो सुख और दुख तो जीवन की परंपरा है। तुम्हें सुख और दुख के द्वंद से नहीं बच सकते, लेकिन कम से कम इतना निश्चय कर सकते हो कि मेरे दुख से ज़्यादा हावी मेरा सुख रहेगा मेरे जीवन पे। इसको मैंने हायर पर्पस कहा है। कैन यू डू दैट? Yes, so we have to honor your commitment. Third, जो भी commit करो उसे honor करो। और इसके बारे में मैं बहुत बोल चुकी हूँ पहले भी, subconscious army and all that। जो भी किसी को फोन करने का commit करते हो ना उसे करो। जिम ज्वाइन करते हो, जिम में जाने का commit करते हो उसको करो। कोई सत्संग देखने का अपने से commit करते हो कि आज तो मुझे भगवद गीता सत्संग नंबर 47 देखना है, डू इट। जो कोई भी कमिटमेंट आप अपने आप से करते हो इसे पूरा करो, फुलफिल करो। इसका परिणाम क्या होता है कि हमारी जो सबकॉन्शियस आर्मी है वो स्ट्रांग होती है और हमें इनर स्ट्रेंथ मिलती है। कई लोग होते हैं ना, कोई भी निर्णय करेंगे उसके बाद हमेशा डावाडोल होंगे, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं,
कहूँ कि ना कहूँ, किसी भी चीज़ में उन्हें क्लैरिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनर स्ट्रेंथ नहीं है। और ये इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेंथन कब होता है, स्ट्रांग कब होता है? जब हम हमारी कमिटमेंट्स को खुद ऑनर करते हैं। चाहे छोटी सी कमिटमेंट लो कि आज 3 रोटी नहीं 2 रोटी खानी है, ऑनर करो। जिस किसी को ये परेशानी है किसी को यहाँ कि हम जो भी निर्णय लेते हैं ना उसमें हमेशा कंपित रहते हैं, करें ना करें। हाँ, होंगे, बहुत होते, बोले ना बोले, कहे ना कहे, सोचे ना सोचे, ऐसा सोचना ठीक है कि ऐसा ही सोचना ठीक है, कोई मुझे धोखा दे रहा है उसे धोखेबाज कहना ठीक है कि गलत है? क्यों? कोई धोखा दे रहा है उसे धोखेबाज कहना क्यों गलत है? इट्स ऑल क्लैरिटी, कशा ही नहीं है तुम्हारे अंदर। आज मेरे जीवन में इतनी क्लैरिटी है कि कोई मुझे धोखा दे रहा है उसको मैं धोखेबाज जानती हूँ। दिस इज द क्लैरिटी, दिस इज नॉट द कशाय। ये मेरे ज्ञान की स्पष्टता है कि किसी ने मुझे धोखा दिया तो उसने धोखा दिया, और कल ही वो आके मुझसे क्षमा कर ले जाए तो मैं उसे सरल काल भी विरुद्ध दे दूंगी। लेकिन ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होती है कि तुमने किसी को धोखेबाज बोल दिया, फिर अब जिंदगी भर तुम उसे धोखेबाज कहोगे। लेकिन एक सदगुरु के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। उनका विजन इतना क्लियर होता है कि कोई गलत है तो उस पर गलत लेबल लगा सकते हैं, कोई राइट है तो उस पर राइट लेबल लगा सकते हैं, और बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होते, अगले ही दिन अपना लेबल बदल भी सकते हैं। भाई तुम बदल गए तो मेरा लेबल क्यों ना बदले? दिस इज द क्लैरिटी। ये क्लैरिटी के साथ जीना यानी तुम्हारा सबकॉन्शियस स्ट्रेंथन हो गया। अरे उसमें भी तो भगवान आत्मा, हाँ तो वो कहाँ मना किया हमने? भगवान आत्मा तो है, लेकिन उसने सरफेस लेवल पर अपनी जागृत अवस्था के अंदर उसने धोखा दिया है। आई एम क्लियर अबाउट दिस ऑल्सो। और उसने वो धोखा दिया, उसको मुझे किस तरह ट्रीट करना है इसके लिए भी हम क्लियर हैं। सो दिस क्लैरिटी इज पावर। मैं बोलती हूँ ना, ये शक्ति है जीवन की। और ये शक्ति कहाँ से आती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और सबकॉन्शियस माइंड में शक्ति भरता कौन है? तुम खुद। चाहे तुम 50 सत्संग सुन लोगे, उससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेंथन नहीं होगा। तुम्हारा अवचेतन मन किससे ताकतवर बनेगा? जब तुम अपने को दी हुई कमिटमेंट, अपने को दिया हुआ निश्चय पूरा करोगे तभी। ये मैं अपने जीवन में बहुत करती हूँ। चाहे मैंने वो रामलीला देखने का भी निर्णय किया हो ना, मुझे आप लोग मिल गए थे ना रामलीला में, एक दिन मैं गई थी, उसी दिन ये लोग भी मिले, तो वो निश्चय किया हुआ था अपने से कि एक दिन जाके वो 3 घंटे में संपूर्ण रामायण दिखाते हैं ना, तो अभी 10 दिन का तो टाइम रहा नहीं है किसी के पास, तो लगा 3 घंटे में संपूर्ण रामायण देखनी है। वो निश्चय किया और उसको ऑनर किया, कमिट, जो भी अपने आप से कमिट लिया। इससे क्या होगा? हमारी जो 7 मैन आर्मी है, नीचे टिप ऑफ द आइसबर्ग ऊपर, और उसके नीचे जो है वो सारी आर्मी स्ट्रांग होती है। मेक श्योर इस साल इतना जरूर करना, कोई भी कार्य के लिए किसी को आपने कहा है उस कार्य को, ठीक है, अगर आप नहीं पहुंच सकते, आपने किसी को कहा हम कल आपके घर आ रहे हैं और आप नहीं पहुंच सकते किसी कारण से, उसे कॉल करके बोलो कि हम नहीं आ पा रहे। जितना आप इस प्रकार से जिएंगे उतना आपके भीतर से जो ये बिल्कुल चलित मन है ना कि बार बार हर विचार के ऊपर कोई निश्चय ही नहीं होता, उसको वो अनिश्चय की जो स्थिति है वो तुम्हारी चली जाएगी। चौथा कहते हैं सरेंडर ऑल दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ। छोड़ो ना, क्या क्या नहीं चाहिए तुम्हें अपने जीवन में? क्या क्या नहीं चाहिए नया प्रभु? क्या नहीं चाहिए आपको? क्या नहीं चाहिए अश्विन प्रभु की मम्मी, क्या नाम है आपका? अचारे मुंगर लोगों से पूछ लिया मैंने, ये लोग तो दोनों ही कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नहीं चाहिए जयश्री प्रभु? हाँ, इरिटेशन नहीं चाहिए। अश्विन तुम्हें क्या नहीं चाहिए? एंगर नहीं चाहिए। पल्लवी प्रभु आपको क्या नहीं चाहिए? राग द्वेष नहीं चाहिए। सीधा, हाँ सीधा, इन्होंने तो बाउंड्री मारी, राग द्वेष हटाओ सब हट जाएगा। ठीक है, और क्या नहीं चाहिए आपको? वैभव तुम्हें क्या नहीं चाहिए? एक एक सी आगे लिखा है, 1 एट अ टाइम इसमें लिखा है मैंने, 1 एट। आप तुम सारा ही बोल दोगे तो नहीं चलेगा। विशाल प्रभु क्या नहीं चाहिए? राग द्वेष नहीं चाहिए। वन एट अ टाइम। नीरव क्या नहीं चाहिए? एंगर नहीं चाहिए। लक्षिता प्रभु क्या नहीं चाहिए? दो नहीं, 1 एट अ टाइम। क्योंकि इसमें ना मैंने खास लिखा, मेक श्योर यू सरेंडर 1 थॉट एट अ टाइम एंड हैव फेथ इन करेक्शन थ्रू द हायर।
हैव फेथ, तुम्हें जो नहीं चाहिए ना मुझे दे दो, दो वो, देने में तो इतने कृपण मत बनो। मैंने कौन सा तुम्हारी गाड़ी मांग ली, मैंने कौन सा तुम्हारे ये सफेद कपड़े मांग लिए, तुम्हारे को जो नहीं चाहिए, यही लिखा है सरेंडर ऑल दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ। तुम्हें लगता है ना ये क्रोध नहीं चाहिए, तुम तो अपने क्रोध को बचाना चाहते हो क्योंकि उसमें भी तुम्हें सुरक्षा लगती है। सेल्फ परसुएशन, सेल्फ अपने आप को बचाना, ये भी तुम्हारे क्रोध को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर अब मैं अवनी पर गुस्सा नहीं करूंगी तो अवनी बिगड़ जाएगी, इसलिए क्रोध को बचा के रखो। अगर हम टाइम पर चिल्लाएंगे नहीं तो लोग बिगड़ जाएंगे, लोग हमें चीट करेंगे, इसलिए वो इरिटेशन वगैरह संभाल के रखो। नहीं, जिससे तुम थके हो उसे जस्ट गिव इट टू द फीट ऑफ योर हायर एंड मेक श्योर हैव फेथ इन करेक्शन थ्रू द हायर। जो हायर जिसको तुम समर्पित करते हो वो तुम्हारे उस भाव में ज़रूर कोई ना कोई फेरफार करेगा। पांचवा, एक्सप्रेस लव एंड फेथ ऑफन, मोर ऑफन। ये दो, दीज बोथ आर द कॉस्मिक रूलर्स लिखा है कहीं, हाँ, दीज बोथ आर द वर्च्यूज ऑफ द कॉस्मॉस, ब्रह्मांड के अधिपति हैं ये, लव और फेथ। मैंने शाह ऑडिटोरियम में जो हुआ था उसमें ही बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो प्रेम की अवस्था में, अनकंडीशनल लव की अवस्था में पैदा होता है। ये तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना वैसे वैसे कंडीशनैलिटी हमारे दिमाग में आती जाती है, लेकिन वास्तव में क्रिएशन पूरा प्रेम और श्रद्धा के आधार पे चल रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं एक्सप्रेस ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेम को, दूसरे को कम्युनिकेट करो। तुम किसी से प्रेम करते हो, निष्काम प्रेम या वासना की बात नहीं चल रही, उस प्रेम को अधिक से अधिक कम्युनिकेट करो, दूसरे इंसान को बताओ। लव नीड्स कम्युनिकेशन, नहीं तो सामने वाले इंसान को पता कैसे चलेगा कि तुम उसके प्रति इतने सम्मान से भरे हो, इतने रिस्पेक्ट से भरे हो, इतने प्रेम से भरे हो। सो कम्युनिकेट योर लव एंड एक्सप्रेस योर फेथ मोर ऑफन। तुम अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने सिस्टर से, अपने छोटे भाई बहनों से और अधिक, जितना कहते हो ना उससे भी और अधिक बार कहो कि वी रियली लव यू, वी रियली केयर फॉर यू, यू आर रियली इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ, तुम्हारा अस्तित्व हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तुम जितना ऐसे बना एक्सप्रेस करोगे, और खोटा खोटा नहीं है, सच्चा सच्चा जितना तुम एक्सप्रेस करोगे तुम्हारे फर्स्ट सर्कल के बॉन्ड्स तुम्हारे स्ट्रेंथन होंगे। बी मोर डेमोन्स्ट्रेटिव, मोर एक्सप्रेसिव, यही लिखा, लव एंड फेथ आर द रूलिंग वर्च्यूज ऑफ द कॉस्मोस, द मोर यू एक्सप्रेस देम द मोर दे मैनिफेस्ट। जितना आप उनको प्रकट करेंगे उतना और अधिक वो प्रकट होंगे। आप अपनी श्रद्धा को जितना अधिक प्रकट करेंगे ना, आप देखना कितने ही ऐसे लोग हैं, मैं तो इतनी बार फील करती हूँ कि जिनको हमारे अस्तित्व में बहुत श्रद्धा है, बेन प्रभु आपने किया, और उनके जीवन में इतनी बार ऐसा होता है कि भाई छोटी से छोटी घटना हो या बड़े से बड़ी घटना हो, उन्हें लगता है बेन प्रभु आपने किया। क्योंकि जिसको जितना ज़्यादा फेथ है ना उतना ज़्यादा फेथ मैनिफेस्ट करेगा, और जिसको जितनी ज़्यादा शंका है ना उसको उतनी ज़्यादा उसके जीवन में शंका ही आती रहेगी। सो एक्सप्रेस मोर एंड मोर ऑफ योर फेथ एंड योर लव, लव टू योर नियर एंड डियर वंस यानी तुम्हारा फर्स्ट सर्कल, और फेथ टू योर हायर, तुम्हारे जो सदगुरु हैं उनके प्रति की श्रद्धा बार बार एक्सप्रेस करो कि कुछ भी जीवन में हुआ तो प्रभु कृपा, ग्रेस जिसको हम कहते, प्रभु कृपा, प्रभु कृपा, ये शब्द तुम्हारे डिक्शनरी में मतलब ढूंढने ना जाने पड़े, तुम्हारे जीवन में एक प्रवाह, तुम्हारे व्याकरण में एक प्रवाह रूप में हो। छठा, मेडिटेट टू हियर साइलेंस, मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट, तुम्हें मालूम है क्यों, इस पर तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ। सातवां, लिविंग इज इक्वल टू, पुराने सूत्र हैं बस नए फॉर्म में है, जितना जितना हम अपने में एक्सपैंड करते हैं और इवॉल्व होते हैं, गुण विकास और गुण विस्तार, दो बातें हुई ना शिविर में, अब तीसरे लेवल से गुण विकास के बाद गुण विस्तार का कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया। जितना आप अपने में गुण विस्तार करते हैं और गुण विकास करते हैं, विकास और विस्तार, उसके बाद उसे जगत को लौटाना आवश्यक है, ऑप्शनल नहीं है ये, लिविंग इज गिविंग ऑप्शनल नहीं है, लिविंग इज इक्वल टू लिबरेटिंग करके आप चले जाओ, नहीं, पहले लौटाने की भूमिका आएगी आएगी आएगी। तुमने इस जगत से इतना कुछ लिया है, इतने ज्ञानियों से, इतने लोगों से तुमने इतना कुछ लिया है, उसे लौटाना तो तुम्हें पड़ेगा।
इसलिए तुम जैसे जैसे इवॉल्व करते हो और एक्सपैंड करते हो, मेक श्योर योर लाइफ इज सराउंडेड बाय लिविंग इज इक्वल टू गिविंग. निष्काम भाव से तुम भी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर पा रहे हो. मोर यू आर गिविंग ग्रेटर इज योर एक्सपेंशन. मेक श्योर जितना तुम देते जाओगे उतना तुम्हारा एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा. जितने तुम निष्काम होते जाओगे, तुमने सुबह एक कार्य में निष्कामता स्थापित की ना, तो देखना वह एक कार्य अपने आप शाम को आते आते 11 तक बन जाएगा. बट द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, पहला जो कदम है वो आपको उठाना होगा. जितना तुम लिविंग इक्वल टू गिविंग निष्काम भाव से दोगे, उतना उस निष्कामता का तुम्हारे जीवन में और अधिक विस्तार होगा. एट्थ इज ग्रो इन ग्रैटिट्यूड. थैंक यू, मेक इट योर हैबिट. चाहे मान मिले अपमान मिले, कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे या बुरा करे, ग्रो इन थैंक यू. थैंक यू एटलीस्ट आई एम अलाइफ. इस दुनिया के कितने लोग कल सुबह उठेंगे नहीं मालूम है तुम्हें? इस दुनिया के कितने लोग सुबह उठेंगे तो कोई बड़ी बीमारी के साथ उठेंगे? इस दुनिया के कितने लोग ऐसे होंगे कि जो उठेंगे और उन्हें न्यूज़ मिलेंगे उनके पेरेंट्स मर गए, उनके फादर मर गए या उनके मदर मर गए? कितने? यू आर वन ऑफ देम. आर यू वन ऑफ देम कि कल तुम्हें भी, आज तुम्हें भी ये न्यूज़ मिली? नहीं तो इसका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो. थैंक यू मेरे आसपास के सभी लोग जिंदा है, जीवित है. जो लोग मेरी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखते हैं वो सभी जिंदा है. उसके लिए थैंक यू कौन एक्सप्रेस करेगा? कौन करेगा? उठते ही सबसे पहले मेहरबानी करके फोन ना देखें, पक्का. पहले हम लोगों में ना ये था, ये उठते ही हाथ देखना, और हाथ के अंदर ये तीनों लोक और एक मंत्र बोलते थे. हाँ मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन वो मंत्र बोलते थे कि ये हाथों के अंदर कर, यानी हाथों के अंदर तुम्हें क्या क्या, तुम्हें किस किस को, तीनों लोक के नाथ और तीनों भुवन और तीनों अधिपति जितने भी हैं, इन सबको तुम्हें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है. और अभी तो क्या हो गया, उठते ही हाथ में व्हाट्सएप. नहीं, कुछ होना है. तुम भव्य जीव तो हो, लेकिन इस भव्य में से भगवंत होना है ना, तो अपने जीवन की कुछ, मैं तो ऐसा नहीं कह रही कि व्हाट्सएप देखो ही मत, मैं ऐसा तो नहीं कहती. मैं ये कह रही हूँ सुबह उठ के जो पहला थॉट है वो सबको धन्यवाद, थैंक यू गॉड छत नहीं गिर गई मेरे ऊपर रात को, थैंक यू गॉड ये पंखा नहीं टूट पड़ा मेरे ऊपर. कुछ तुम फाइंड आउट अ वे टू से थैंक यू मेरे आसपास के लोग सारे जीवित हैं. ग्रो इन ग्रैटिट्यूड. नाइन्थ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसको तो इतने लोगों ने हाईलाइट किया है. एक्सप्लेन योर एंगर इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग. एक नया लिखा मैंने, इट्स वेरी ह्यूमन. देखो मैं तुम्हारे पक्ष में बैठ कर ना लिखती हूँ. इट्स वेरी ह्यूमन टू गेट एंग्री. यानी तुम लोग एंग्री होते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है. नीरव डोंट वरी, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुमने भी गुस्से का बोला, अगर तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है डोंट वरी, इट ओनली शोज यू आर ह्यूमन, सो इट इज गुड. वेन पीपल, इट्स वेरी ह्यूमन टू गेट एंग्री वेन पीपल अराउंड यू इम्प्लाई टू रॉन्ग एंड अनफेयर मीन्स ऑफ लिविंग. जब आसपास कोई कुछ गलत कर रहा हो, कोई टोटली कुछ गलत कर रहा है, तब तुम्हें एंग्री होना स्वाभाविक है. लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस अवर एंगर. जो मन में आया बोल डाला, उसकी जगह एक्सप्लेन योर एंगर, वाई यू आर एंग्री. तुमने कुछ गलत किया है, अगर मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं तो तुम समझोगी, या फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे आराम से समझाऊं तो तुम समझोगी? कैसे समझोगी? व्हाट इज द बेटर वे? हाँ, चाहते हम सभी ये, लेकिन करते हम क्या है? जैसे ही कोई कुछ गलत करे ना, इमीडिएटली वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग अवर एंगर एंड व्हाट वी शुड डू. मैं ये नहीं कह रही, देखो इस भूमिका में कितनी लिबर्टी दे रही हूं मैं, ऐसा कोई सच में तुम्हारे बीच में ऐसा कोई होना चाहिए, नहीं तो बाकी सारे धर्मशास्त्र कहेंगे हटाओ क्रोध को, हटाओ क्रोध को. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे. 2018 के पहले रेजोल्यूशन मैं ये कह रही हूं, गुस्से हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ. जब भी गुस्सा आता है, कब किसी ने कुछ गलत किया इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है, एक्सप्लेन योर एंगर, तुम क्यों गुस्से हो. कई बार तो क्या होता है ना, तुम अपने गुस्से में इतना ज़्यादा बड़बड़ाहट करके आ जाते हो कि तुम किस कारण से गुस्से थे ना, वो तो कन्वे ही नहीं कर पाते. और वो कन्वे नहीं होता तो क्या होता है, वो गलती दोबारा होती है, और वो गलती दोबारा होती है इसलिए यू अगेन गेट अ चांस टू गेट एंग्री. इंस्टेड कूल डाउन, 5-7 मिनट 10 मिनट शांत रहो, और उसके बाद डोंट विदड्रॉ फॉर एंगर बट एक्सप्लेन योर एंगर. तुम गुस्से हुए क्यों थे,
सामने वाले को बताओ ना, वो जड़ थोड़ी है, सुनेगा समझेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो इट्स टाइम टू एक्सप्लेन योर एंगर बाय चूजिंग द राइट वे इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फ्रस्ट्रेशन दैट सीवर्स द सिचुएशन एंड रिलेशनशिप. सिचुएशन भी खराब हो जाती है और संबंध भी बिगड़ता है, हाँ कि नहीं? और तुम एक्सप्लेन करते हो अपने एंगर को कि बेटा तुमने ऐसा किया ना, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई, तो उससे रिलेशन भी संवर जाएगा और उस समय की जो सिचुएशन है वो भी संभल जाएगी. और दसवां, फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो मेरे लिए यही है, लूज योर सेल्फ टू योर ट्रू सेल्फ. अपने स्वयं के अस्तित्व को जानने के लिए अपने अहंकार को खोते जाओ, खोते जाओ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब 10 में से तुम एक करो, दो करो, पाँच करो, या मैं तो कहूँगी 10 के 10 के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, ये तुम्हारी भव्यता को भगवान बनने का मार्ग बताएगा. तुम भव्य तो हो इसीलिए तुम्हें सद्गुरु अच्छे लगे हैं, तुम भव्य तो हो इसलिए तुम्हारे सद्गुरु को भी तुम अच्छे लगे. थोड़ा थोड़ा याद है शिविर का कि नहीं? थोड़ा थोड़ा वो आखिरी आखिरी खुमारी. तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी यात्रा के लिए कदम तो तुम्हें उठाने होंगे, और वो कदम उठाने के लिए भव्य जीवों को ही किसी ना किसी ढंग से हम बता रहे हैं. आज अब आते हैं वचनामृत की बारी, और बहुत बढ़िया लग रहा है, आज पहला सत्संग, और पहले ही सत्संग में कृपाणु देव की आज्ञा. वाह, इससे अच्छा क्या होगा, पहले ही सत्संग में परम कृपाणु देव, और आज्ञा भी बड़ी फंटास्टिक है. आज के सत्संग में जो आज्ञा आ रही है वो प्रश्नात्मक आज्ञाएं हैं, और ये प्रश्न मैं अंबालालों से पूछने वाली हूँ, क्योंकि 15-17 प्रश्न है, तो मैं सारे अंबालाल जितने भी यहाँ बैठे हैं इन सबसे प्रश्नों के उत्तर लेना चाहूँगी कि तुम्हारा क्या ख्याल है. वहाँ पे जो उत्तर हुए हो हुए होंगे. कहाँ तक हो गया अपना? 225 हो गया था, और 242 हमने बीच में से आगे थोड़ा छलांग लगा के किया. 236 पेज नंबर 283. ठीक है, थोड़ी भूमिका समझ लो. अंबालाल भाई कहाँ रहते हैं? खंभात में, खंभात. परम कृपाणु देव कहाँ है राइट नाउ? बॉम्बे में. अंबालाल भाई कुछ काम से रतलाम आने वाले थे, रतलाम. तब उनका मन था कि वो परम कृपाणु देव से का दर्शन करे और उनका प्रत्यक्ष समागम लेकर उनसे कुछ ज्ञान वार्ता और सत्संग आदि का लाभ प्राप्त करे. तो उन्होंने परम कृपाणु देव से पूछवाया था कि क्या मैं बम्बई कुछ दिनों के लिए आ सकता हूँ, और आ कर भी पूरा दिन साथ रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपकी दुकान पर भी आ सकता हूँ? चूँकि दुकान पर रेवा शंकर और खिमजी दोनों होने वाले थे, तो उनके जो पार्टनर्स थे वो भी उनके दुकान पर होने वाले थे, इसलिए वहाँ उन लोगों के सामने किस प्रकार से वार्तालाप करना उसकी पूरी शिक्षा दी है. सो नाइस. पिछले सत्संग में तो ट्रेनिंग थी, याद है तुम्हें, किस तरह से समाज में विरोधियों का के प्रति जो भी विरोध चल रहा था कृपाणु देव के प्रति, उनका वो किस तरह से जवाब दिया जाए. इस सत्संग में यदि तुम सद्गुरु के पास जाते हो और तब वो किसी ग्रह उपाधि में है, ग्रह उपाधि कोई भी व्यावसायिक उपाधि में है, तब वहाँ किस प्रकार की चर्चा करना, किस प्रकार का वार्तालाप करना, उसकी ट्रेनिंग इस वचनामृत के माध्यम से श्री अंबालाल भाई को दी जा रही है. सुज्ञ भाई श्री अंबालाल बम्बई से पत्र लिखा है. यहाँ कुशलता है, आपका कुशल पत्र प्राप्त हुआ. रतलाम से लौटते हुए आप यहाँ आना चाहते हैं, उस इच्छा में मेरी सम्मति है. वहाँ से विदा होने का दिन निश्चित होने पर यहाँ दुकान पर पत्र लिखिएगा. क्यों पहले से नहीं बोल दिया? एक तरफ तो बोला कि ठीक है आ जाना, इस इच्छा में मेरी सम्मति है, लेकिन वापस लिख रहे हैं वहाँ से विदा होने का दिन निश्चित हो, यानी रतलाम से विदा होने का दिन निश्चित हो, तब मुझे वापस यहाँ बॉम्बे में पत्र लिख के पूछना. ऐसा क्यों करते होंगे, एक बार में क्यों नहीं बोल देते? यस, सिंपल. क्या, हाँ, आप भी शायद यही कहना चाह रहे थे कि ये माहौल देखना चाहते थे, क्योंकि व्यवसाय के लिए रतलाम जाने वाले थे, तो वहाँ जाके व्यवसाय में रहकर आपकी बुद्धि उस ओर आकर्षित हो गई है कि नहीं हुई? क्योंकि देखो, अगर हाँ बोल दिया फिर तो वो आते ही आते, लेकिन अभी उनको लटका के रख, लटकाना मतलब तुम समझते हो,
अभी उन्हें बीच में रखा है ना, हाँ बोला है ना ना बोला है, वैसे हमारी सम्मति है, लेकिन वापस दोबारा एक बार पत्र लिख के पूछ लेना, इसका मतलब क्या हुआ? ना हो सकती है, ना हो सकती है। और वो ना किस पर निर्भर करती है? व्यवसाय के कारण यदि उनके भाव आवेश के अंदर थोड़ी भी हानि हुई है तो परम कृपाणु देव जानते हैं कि वो मना कर देंगे उन्हें, और उनकी भावा जो भाव है उसमें हानि ना हो और वृद्धि रहे, इस बात की अवेयरनेस अंबालाल को रहे, इसके लिए उन्होंने ये लिखा है। हाउ स्मार्ट। मुझे तो इनकी युक्तियां ना कॉपी पेस्ट करने का मन करता है कई बार, और मैं करती भी हूँ। मेरे को जिस तरह से इसमें होता है ना, आई ऑल्सो ट्राई ऑन पीपल अराउंड मी कि ऐसा अगर मैं करती हूँ तो उनका क्या भाव होता है, कई बार परीक्षा लेती हूँ। यहाँ पर कृपाणु देव को भी पता है कि इनका भाव यदि जरा भी नीचे आएगा तो उनको दर्शन की अनुमति नहीं दूंगा, दर्शन समागम दोनों की। और अंबालाल भाई को भी पता है कि व्यवसाय में मेरा मन रचपच गया तो ये मुझे दर्शन समागम के लिए नहीं आने देंगे, इसीलिए यहाँ पर कॉमा डाल के छोड़ दिया, दोबारा पत्र लिख के पूछना। वैसे तो मेरी सम्मति है लेकिन दोबारा पत्र लिख के पूछना, दिस इज जस्ट फॉर दैट कि इनका भाव हमेशा उनके दर्शन और समागम के लिए उन्नत रहे, ऊंचा का ऊंचा बना रहे। आप जब यहाँ आए तब हमारे में जो परमार्थ प्रेम है वह यथासंभव कम ही प्रकट हो तो ऐसा कीजिएगा, तथा निम्नलिखित बातें ध्यान में रखेंगे तो श्रेयस्कर है। मेरी अविद्या, पहली बात, मेरी अविद्यमानता में श्री रेवाशंकर अथवा खीमजी से किसी तरह की परमार्थ विषयक चर्चा नहीं करना, ब्रैकेट में लिखा है विद्यमानता में, अर्थात मैं पास बैठा हूं तब। बड़ा प्यारा लिखा है, बड़ा प्यारा। विद्यमानता मतलब प्रेजेंस, मेरी प्रेजेंस में, ध्यान से पढ़ो, यानी लिखा क्या है, जब मैं प्रेजेंट ना हो, मेरी अविद्यमानता में रेवाशंकर अथवा खिमजी से किसी तरह की परमार्थ विषयक चर्चा नहीं करना। और विद्यमानता किसे कहा है, अर्थात जब मैं प्रत्यक्ष पास बैठा हूँ। अंबालाल के लिए कृपाणु देव प्रत्यक्ष पास बैठे हो या ना बैठे हो, फिर भी उनके लिए प्रत्यक्ष ही थे, इसलिए इनको क्लियर करना पड़ा कि जब मैं क्लियर पूरा प्रत्यक्ष साथ में बैठा हूँ ना, उसको विद्यमान कहते हैं। तुम्हारे तो दिन रात तुम्हारी खोपड़ी में मैं घूमता हूँ उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं प्रत्यक्ष वहाँ बैठा हूँ ना उसको विद्यमान कहते हैं, और जब मैं प्रत्यक्ष वहाँ ना बैठा हूँ उसे अविद्यमान कहते हैं। इसलिए अंबालाल की दशा की महिमा, उसके प्रेम की महिमा, दशा तो अभी खास नहीं है लेकिन कृपाणु देव के प्रति प्रेम कितना है कि उनकी अविद्यमानता में भी, यानी उनकी नॉन प्रेजेंस में भी कृपाणु देव को पता है कि मैं उसके मनोचित मन और बुद्धि के अंदर प्रेजेंट ही हूँ। इसलिए उनको क्लियर किया कि जब मैं विद्यमान हूँ तब ये बात करना, यानी मैं प्रत्यक्ष बैठा हूँ तब बात करना, मैं प्रत्यक्ष नहीं हूँ तो ये बात मत करना। मेरी विद्यमानता में उनसे गंभीरता पूर्वक परमार्थ विषय की चर्चा हो सके तो जरूर करें, कभी रेवाशंकर से और कभी खीमजी से। परमार्थ में नीचे लिखी बातें विशेष उपयोगी है। अब प्रश्न, पार होने के लिए जीव को पहले क्या जानना चाहिए? प्रश्न है तुमसे, पार होने के लिए। ये सब प्रश्न, कुछ जो प्रश्न आ रहे हैं अब, ये सब परम कृपाणु देव ने अंबालाल भाई को कहा है कि मेरी विद्यमानता के अंदर ऐसे सब प्रश्न आप उनसे अलग अलग ढंग से पूछना। सबसे पहला, पार होने के लिए, संसार सागर से पार होने के लिए जीव को पहले क्या जानना चाहिए? बोलो, मैं कौन हूँ, ठीक है, और मेरी अविद्यमानता में, हाँ, मेरी अविद्यमानता में श्री रेवाशंकर अथवा खिमजी से किसी तरह की परमार्थ विषयक चर्चा नहीं करना। मैं इसको ऑथेंटिक मानूंगी, ये पुराना शास्त्र है, ये नए प्रिंट्स हैं। आप किसी के पास है पुराना शास्त्र? मेरा तो 20 वर्ष पुराना है। अविद्यमानता है, विद्यमानता है, नहीं, पहला पॉइंट में क्या लिखा है?
मेरे में लिखा है मेरी अविद्या मानता में, एक मिनट आपके में क्या, मेरी अविद्या मानता पुराना शास्त्र है, पुराना अविद्या मानता। लॉजिकल तो यही है, जब मैं वहां नहीं हूं तब ऐसी कोई चर्चा मत करना। और विद्या मानता का अर्थ भी उन्होंने, क्योंकि ये मैंने बोधामृत से भी टैली किया कि कृपाणु देव को यहाँ विद्या मानता वाला ब्रैकेट क्यों डालना पड़ा, क्या वो इतना भी नहीं समझते होंगे वर्ड के मीनिंग्स? लेकिन नहीं, उनके उनके लिए परम कृपाणु देव दिन रात प्रत्यक्ष थे, इसलिए उनको ये खास यहाँ लिखना पड़ा। बोलो और कोई नहीं, नहीं मैं हूं तभी, क्योंकि मैं हूं तभी उनको ये आगे भी लिखा है कहीं पर, एक जगह आएगा निर्णायक उत्तर वाली आगे बात आएगी, देखते हैं। लेकिन द ओल्डर वंस, ये तुम्हारे कौन से एडिशन से आ, तुम्हारा नया एडिशन है, ठीक है, नए एडिशन के अंदर ये मिस्टेक है, तो उसको जिसके पास भी वो कर दो, अविद्या मानता कर दो उसको। और आप कह रहे गुजराती बुक में भी अविद्या मानता है, वेरी स्ट्रेंज, अविद्या मानता है कि विद्या मानता है? विद्या मानता में पहला विद्या मानता है और दूसरा अविद्या मानता है। पहला विद्या मानता में चर्चा नहीं करती, सेकंड में अविद्या मानता है उसमें चर्चा करती है, लेकिन गंभीरता से करती। देखो, मेरी अविद्या मानता में चलो हम तो यही अर्थ लेंगे प्रभु, मेरी अविद्या मानता में वह ये प्रेजेंस में अविद्या मानता में नहीं करनी, विद्या मानता में करनी है, मतलब मेरी प्रेजेंस में जो भी चर्चा करो वो इस प्रकार की चर्चा करनी है। पहला प्रश्न, पार होने के लिए जीव को पहले क्या जानना चाहिए? मैं कौन हूं ये जानना चाहिए। लेकिन अगर ये मैं कौन हूं पहले ही जान लिया तो वो तो पार हो गया, फिर क्या बचा? क्या फर्स्ट, अगर कोई इस पाथ पर आ रहा है उसके लिए फर्स्ट सबसे पहले असेंशियल क्या है? सदगुरु तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन पार होने के लिए वो भी तुम्हें शायद सदगुरु बताएगा कि तुम्हें पार होना है। अलग अलग दशा, मैं दुखी हूँ, सही बात है, अपने अज्ञान का बोध, मैं दुखी हूँ, मैं बंधन में हूँ, तुम्हें ये सब बंधन लगना चाहिए। चाहे कितना भी अच्छा जीवन हो, कितना भी अच्छा पुण्य प्रताप हो, लेकिन तुम्हें लगे मैं बंधन में हूँ। बंधन में होने का निश्चय बंधन से आज़ाद होने का पहला कदम है। बंधन में होने का निश्चय जब तक तुम्हें नहीं है तब तक तुम आजाद होने के लिए हाथ पैर छटपटाओगे क्यों? जिसे पता चल जाए मैं बंधन में, जिसे पता चल जाए मैं बीच भंवर में डूब रहा हूं, पार होने की बात है ना, तो उस दृष्टांत से बात करते हैं। पार होना है तो वो किसके लिए? जिसको ये निर्णय हो कि मैं समुद्र के बीच में, बीच भंवर में, ये चारों गतियों की जो भंवर है उसमें कैसा खोया हुआ हूँ और डूबता जा रहा हूँ, जिसको ये निश्चय हो जाए कि मैं बीच समुद्र में हूँ, मैं बीच भंवर में हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं बेड़ियों में हूँ, वो पार होने के लिए प्रथम कर्तव्य जानना। कितने ही लोग हैं यहाँ अभी, कितने ही लोग हैं इस जगत में जिन्हें अभी छूटने की कोई तमन्ना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो बंधे हुए हैं। छूटने की तमन्ना तो उसको होगी जो बंधे हुए हैं। वो परेशान है, वो इरिटेशन में है, वो गुस्से भी होते हैं, वो दुखी भी है, लेकिन वो बंधन में, और इस बंधन को काटा जा सकता है, इस बंधन को तोड़ा जा सकता है, ये बोध ही उनको नहीं है। इसलिए पार होने के लिए जीव को पहले क्या जानना चाहिए कि मैं मझधार में हूं, मैं मझधार में हूं, यही पार होने का बात है। अगर बंधन से छूटने की बात होती तो हम कहते मैं बंधन में हूं। मुक्त होने के लिए जीव को सबसे पहले क्या जानना चाहिए? तो उसका आंसर होता मैं बंधन में हूं। लेकिन यहां प्रश्न है कि पार होने के लिए जीव को पहले क्या जानना चाहिए? तो क्या मैं चार गतियों के इस मझधार में हूं?
जीव के परिभ्रमण होने का होने में मुख्य कारण क्या? राग और द्वेष, ठीक है, इच्छा, ठीक है, सारे ठीक है. यू कैन गिव लॉट ऑफ आंसर, इसमें कोई वन आंसर नहीं है. अब ये परम कृपाणु देव अंबालाल भाई से कह रहे हैं कि तुम इन लोगों से पूछना कि जीव के परिभ्रमण होने में मुख्य कारण है क्या. तो लेट अस सी वो कहाँ खड़े हैं, किस लेवल पर खड़े हैं, क्या बोलते हैं. परिभ्रमण में मुख्य कारण कौन है? कोई बोलेगा कर्म, कोई बोलेगा ईश्वर, कोई बोलेगा, जिसको कर्म की और ज़्यादा नॉलेज होगी उसको बोलेगा कर्म का विपाक जो है वो है. हर कोई अलग अलग कथन देगा. अभी तुम्हारा क्या अभिप्राय है? जीव के परिभ्रमण होने में मुख्य कारण क्या? राग द्वेष का और अज्ञान, इच्छा, कामना. जहां तक कामना है ना, वहां तक जन्म लेना पड़ेगा. अभी कृष्ण ने तो बहुत अच्छे से बताया था कर्म योग के अंदर कि जब तक कोई भी कामना रह गई है ना, तब तक उस कामना पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं से तुम्हारे वो अकाउंट्स इकट्ठे होंगे और तुम्हें वहां पर अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे पास पुण्य के, तो वहां का कबूतर बनाएंगे. बहुत मन है ना तुम्हें स्विट्जरलैंड जाके देखने का, तो स्विट्जरलैंड जाने जितना पुण्य योग नहीं है, तो स्विट्जरलैंड का कबूतर बनोगे, लेकिन तुम्हें जाना तो पड़ेगा. इसलिए कामनाओं को सर्वथा त्याग करो. ये जीव के परिभ्रमण होने का मुख्य कारण क्या है? कामना. और उसके बाद यू कैन ऑलवेज से अज्ञान है, अहंकार है, आसक्ति है, राग है, द्वेष है, लॉट ऑफ थिंग्स. यह कारण कैसे दूर हो? प्रभु कृपा से. सही बात है. ये कारण कैसे दूर हो? जितने भी कारण है, राग, द्वेष, अज्ञान, कैसे दूर होंगे? बिन सदगुरु कोई न भेद लहे, याद रख लेना. बिन सदगुरु, प्रभु की कृपा भी अगर तुम पर होगी ना, तो वाया सदगुरु होगी. और सदगुरु भी तुम पर भेद तुम्हें बता रहे हैं, भेद मतलब रहस्य, तो वो भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रभु कृपा है और कोई कारण ही नहीं है. ये कारण सारे कैसे दूर होंगे? तो सदगुरु के आश्रय में ज्ञान का प्रकाश करना है. उसके बाद कहा, उसके लिए सुगम से सुगम अर्थात अल्पकाल में फलदायक हो ऐसा उपाय कौन सा है? देखो ये भी शॉर्टकट ढूंढ देते हैं. उसके लिए मतलब वह कारण कैसे दूर हो, यानी सदगुरु के कृपा से. अब नेक्स्ट है, उनके उसके लिए सुगम से सुगम अर्थात अल्पकाल में फलदायक हो ऐसा कौन सा उपाय है? सत्य साधन, सत्संग, या और समप कर डाले तो एक सत्पुरुष को ढूंढो. सारे सही आंसर है. तो मतलब शॉर्ट समअप करके मैंने तो अपनी बुक में लिखा है, गुरु आ गया. सबसे इजी से इजी. वो कहे भक्ति करो तो भक्ति करो, वो कहे नृत्य करो तो, वो कहे शाह ऑडिटोरियम में दोबारा एक बार कर लो. यू आर रियली एक्साइटेड. दोबारा कर लो. अरे क्या अब दोबारा करना पड़ेगा क्या? अरे मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ. अगर तुम इतने एक्साइटेड हो, मैं तो जस्ट तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम लोग तैयार हो तो 21 तारीख को अपना आयोजन है शाह ऑडिटोरियम में. वेरी नाइस. अभी तो मैं इन लोगों से सुझाव ले रही थी, कल ही गौतम प्रभु प्रकाश वो सबसे पूछ रही थी क्या करें, क्योंकि उनका तो सम्मान ही करना है. तो सम्मान के साथ अगर सदगुरु की करुणा की जो परंपरा है, जो इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया था, वहाँ तो मैं इतना एक्नॉलेज भी नहीं कर पाई तुम लोगों को, लेकिन यहाँ करती हूँ कि तुमने गजब का जो तुम्हारी प्रस्तावना थी गजब की थी. तो करना क्या? गुरु कहे ध्यान करो तो ध्यान कर लो, वो कहे एनर्जाइजेशन कर लो तो वो कर लो, वो कहे के सो जाओ योग विश्राम करो. बेस्ट था वो तो, जो ये सोए हैं. आहा, अभी तो मैं सोच रही थी मैं पात्र प्रभु को बोलूंगी कि सब लोग सो जाएंगे, उसके बाद म्यूजिक चेंज करना है, लेकिन अभी तो योग विश्राम कहा लैपटॉप साइड, और ऐसा सोए कि मैंने देखा उसकी तरफ लेकिन पूरे खराटे आ रहे थे तब तक. चलो इसी में कर लेंगे, कोई बात नहीं. तो मतलब ये इसको कहते हैं गुरु आज्ञा का पालन. शायद तुम्हें तो जो कहा विश्राम कहा तो विश्राम से भी पार चले गए हम तो. ठीक है, तो मजा यही है गुरु के साथ ना. ये मजा है कि जो वो कहे ना वो करो, और उसमें चेक करो तुम्हारी हर जो भी गुरु ने आज्ञा दी होगी ना, उस हर आज्ञा पालन के अंदर शुद्धि बढ़ी हुई होगी, शुद्धि की वृद्धि हुई होगी, हानि नहीं हुई होगी.
भले ही तुम्हारे तुम्हारे एग्जाम में कम नंबर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शुद्धि जो है ना वो हमेशा बढ़ती हुई होगी, खिली हुई होगी। तो सबसे आसान से आसान साधन क्या है? गुरु आज्ञा, वो जैसा कहते हैं ना बस वैसा करो, और उसी में सच में उसी में सारा मोक्ष मार्ग है। क्या ऐसा कोई पुरुष होगा कि जिससे इस विषय का निर्णय प्राप्त हो सके? उन लोगों से पूछना, ये जो मोक्ष मार्ग विषय, क्योंकि इतनी भ्रांतियां फैली हुई है समाज में, हर कोई अपने अपने मत को सही कहता है। आज ही मैं विवेकानंद जी की स्टोरी पढ़ रही थी, आज उनका बर्थडे है ना स्वामी विवेकानंद जी का, तो गूगल पे भी सब जगह विवेकानंद जी छाए हुए थे, और कुछ यूथ डे मनाते हैं आज, यूथ डे, तो उनकी किताब मैंने खोली, मैंने कहा चलो आज तो बनता है विवेकानंद जी को पढ़ना, तो सीधा एक कहानी ही खोली, और बड़ी प्रचलित कहानी, मैं बहुत बार विवेकानंद के जो भी पढ़ती हूँ अंक उसके अंदर कहीं ना कहीं मिलती है कहानी, मेंढक की कहानी, फ्रॉग इन अ वेल, तुमने सुनी होगी, तुम्हारे स्कूल में भी आती होगी। तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, ये कहानी उन्होंने शिकागो की उस सभा में भी सुनाई, वेरी फेमस दैट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, उस पार्लियामेंट के अंदर भी शिकागो में, जहाँ एक तरफ वो वीरचंद गांधी और एक तरफ स्वामी विवेकानंद, धूम मचाई थी इन दोनों ने, अद्भुत इन लोगों की बातें थी और अद्भुत। आज भी विवेकानंद जी के लिए तो ऐसा ही कहा जाता है कि किसी को वेदांत का अभ्यास करना है, और वो भी इस काल में जब तुम संस्कृत से परिचित नहीं हो, जब तुम लोगों को पुरानी जो भाषा है उनका इतना ज्ञान नहीं है, तो स्टार्ट विद द बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, इट इज सो इन डेप्थ नॉलेज। तो वो कहते थे स्वामी विवेकानंद जी कि एक बार एक मेंढक था, अपने कुएं में रहता था और अपने कुएं में इधर से उधर, उधर से इधर फुदकता रहता था। एक दिन सागर से कोई मेंढक आके इसमें गिर पड़ा, और वो कुएं में आया तो इस मेंढक ने इमीडिएटली उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से? तो बोला मैं सागर से। अब ये जो कुएं का मेंढक है वो तो कभी अपनी अपने कुएं की परिधि छोड़ के बाहर गया नहीं था, तो इसने पूछा सागर यानी क्या? उसने, अब वो मेंढक सोच रहा कैसे समझाऊं इसको सागर यानी क्या, तो अभी तो वो सोच रहा था ना, तो वो मेंढक फुदक के इधर से उधर आया, बोला इतना बड़ा सागर अपने कुएं की जो चार दीवारी है उसमें इधर से उधर फुदक के आया, सागर क्या इतना बड़ा होता है? तो उस मेंढक ने कहा इतना नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। तो उसने दो बार छलांग लगाई, यहां से यहां गया और वहां से यहां आया, इतना बड़ा होता है? तो उसने कहा नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, सागर तो अनंत है, असीम है, ये चार दीवारी में होता ही नहीं है। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो मेंढक है, मेंढक की जात, इधर धुक पुक 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 करते करते 10-12 बार छलांग लगा दी। तो बोला इससे बड़ा तो नहीं हो सकता? कहते नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, सागर तो अनंत है, सागर तो तुम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा विराट है, और उसमें तो इतना अनंत आकाश जो है वो भी समा जाए, इतना बड़ा है सागर। तो कहते तुम झूठ बोल रहे हो। उस मेंढक ने सीधा बोल दिया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम ये कहो 2 गुना बड़ा है मैं मानू, तुम ये कहो 4 गुना बड़ा है मैं मानू, तुम ये कहो 10 गुना बड़ा है मैं वहां तक भी मानता हूं, लेकिन तुम कहते हो सागर असीम है तो तुम झूठे हो। स्वामी विवेकानंद ने नीचे टांका कंक्लूजन, ये कहानी किस लिए थी? ये मेंढक जो कुएं के हैं ना, ये सारे इजम्स हैं, सारे संप्रदाय, हिंदू धर्म कहो, जैन धर्म कहो, बुद्ध धर्म कहो, सिख धर्म कहो, कोई भी धर्म कहो, ये सारे धर्म के जितने भी मेजर लोग हैं, जो पंडित पुरोहित है, वो सारे मेंढक की तरह है, अपने छोटे छोटे कुओं को संभाल के बैठे हैं, और उस छोटे कुएं से वो अनंत और असीम ईश्वर को नापने निकले हैं। जब तक कोई अनंत और असीम ईश्वर को नाप के वापस इस कुएं में ना आए, यानी कोई सदगुरु, जब तक कोई अनंत और असीम ऐसे समुद्र को, ऐसे ईश्वर को नाप के, उसका अनुभव करके वापस यहां नहीं आता, तब तक तुम्हें सागर का वास्तविक स्वरूप कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन जितनी बार वो आता है उतनी बार तुम उसे झूठा कहते हो, जितनी बार वो आता है खबर पहुंचाने के, अरे इन छोटे छोटे तुम्हारे गलियारों में ईश्वर नहीं मिलेगा, इन संप्रदायों की छोटी छोटी नुक्कड़ों में तुम्हें ईश्वर नहीं मिलेगा, उसके लिए अनंत और असीम जो ईश्वर है उससे संपर्क बनाने का ढंग ही कुछ अलग है, ऐसा सदगुरु खोजो। और जब वो सदगुरु आके ऐलान करता है, तब हमारे भीतर उसी के लिए शंका,
उसी के लिए आत्मश्लाघा, उसी के लिए कोई ना कोई विरोध का परिणाम आता है। ये मैसेज उन्होंने दिया था पार्लियामेंट, शिकागो में जो हुई थी ना रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट, दिस वॉज दिस बेस स्टोरी। तब उन्होंने खास अमेरिका को कॉन्ग्रेचुलेट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, क्या आई वेलकम दिस एंडेवर ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने जो ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ओपन किया है, इस साल हमें भी इन्विटेशन है ना ऐसा कुछ, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन टोरंटो में है इस बार, वो लोग स्वामी विवेकानंद जी के ही स्मृति में वापस शुरू कर रहे हैं इसको, बीच में बंद हो गया, इस साल से ये लोग वापस रीजनरेट कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी इन्वाइट किया एक, थैंक यू सो मच। जा रहे हैं कि नहीं ये मालूम नहीं है, बिकॉज अपने को थोड़ा कम इंटरेस्ट है, 125 साल पहले की बात कुछ और थी, अभी की बात क्या है मुझे अभी भी नहीं मालूम, लेकिन नवंबर में शायद इनका प्रोग्राम है कुछ और इनविटेशन आया था। क्या बात कर रही थी मैं उस समय, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था अमेरिका को कि यू आर रियली अ कंट्री डेमोन्स्ट्रेटिंग द लिबरल एटीट्यूड, तुम लोगों ने हर धर्म के मुख्य जो लोग थे सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कोई ऐसी धार्मिक चर्चा का एक ऐसा आंदोलन उठाया, मैं उसके लिए तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और उस इस स्पीच के अंदर, वैसे तो बहुत बहुत रेवोल्यूशनरी स्पीच है, कभी सुनना यूट्यूब पे स्वामी विवेकानंद के शिकागो की जो स्पीच है 1893 की, तो कैसे उस, यहाँ प्रश्न पर आते हैं कि क्या कोई ऐसा पुरुष होगा जिसने उस अनंत सागर का स्वाद चखा हो, तुम्हें क्या लगता है, ये उनसे पूछ रहे हैं, तो अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है, कैसे कैसे पता चलता है तुम्हें, सत्संग से, इन ज्ञान के भरोसे पे मत रहना। इस काल में ऐसा पुरुष हो सकता है ऐसा आप मानते हैं, मानते हैं कोई समुद्र देखकर आ सकता है, मेंढकों के पास कुओं में आ सकता है, तुम मानते हो, कैसे यस यस किए जा रहे हो, तो आगे का प्रश्न तुम्हारे लिए, और यदि मानते हैं तो किन कारणों से, यस ओनली वे टू अंडरस्टैंड, ओनली वे और कोई ढंग नहीं है। किसी के ज्ञान वैभव से उसको सद्गुरु मत मान लेना, किसी के बोलने की छटा से उसको सद्गुरु मत मान लेना, ये तो ज्ञानावर्ण्य का श्रेयोपशम हो सकता है डेफिनेटली, कि इतना याद रहता है, इतना बोला जा सकता है, इतनी बातें की जा सकती है, इतना हंसाया रुलाया जा सकता है, ये तो कोई एक्टर भी आके कर दे, तो इससे कोई ये नापदंड नहीं, ये अच्छा है, इट्स एन एड ऑन बेनिफिट कि तुम्हारा गुरु अच्छा बोलता है, तुम्हारे गुरु को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन्वाइट करती है, ये अच्छी बात है, तुम्हारे गुरु को ब्रह्मा कुमारी वाले भी इन्वाइट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे उनका गुरु पने से कोई संबंध नहीं है। वो गुरु तभी कहलाएगा, ऐसा पुरुष का निर्णय तभी होगा जब उनके समागम में तुम्हारे में शुद्धि प्रकटती है, और कोई ढंग नहीं है। बाकी तुम भीड़ के भरोसे आ जाओगे तो भी छले जाओगे, तुम ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के भरोसे आ जाओ, भाई ये तो एडमिन हेड हमारा इतना अच्छा है कि यहाँ पर हमारे को सारा कुछ एकदम फ्लॉलेस, जो आपने लास्ट डे कराया था ना, सबको उठा के तालियां बजवाई, तो वापस अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण यदि तुम्हें लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ सदगुरु है, तो ये चूक है, ये गलती है। सदगुरु के होने का दावा, इट इज वेरी पर्सनल दावा, व्यक्तिगत निजी दावा है। यहाँ बैठे 100-500 लोग ये सारे नहीं कह सकते कि हाँ ये बेन प्रभु सदगुरु है, नो, इफ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग देन बेन प्रभु इज योर गुरु, नॉट अ गुरु, मैं कोई जगत गुरु नहीं हूं, आई एम अ पर्सनल गुरु फॉर यू, यदि तुम में रूपांतरण हो रहा है हाँ तो मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो यहाँ यही पूछ रहे, इस काल में ऐसा पुरुष हो सकता है ऐसा आप मानते हैं, हाँ कि नहीं, हाँ, और यदि मानते हैं तो किन कारणों से, तुम में रूपांतरण हुआ है, तुम्हारी मोह, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी मिथ्या मान्यते, ये सब बदली है। तुम अभी भी क्रोध करोगे लेकिन अब एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, अब एक्सप्लेन करोगे। इतना लिबरल तुम्हें कौन मिलेगा ये बताओ, कोई नहीं, अब कहीं और जाने जैसे रहे भी नहीं। कहते हैं ये लोग तो कई बार के, आपके साथ इतना मजा आ गया है कि हम किसी और गुरु के पास जाने जैसे भी नहीं रहे, क्योंकि इसी में इतना मजा आ रहा है।
ऐसे पुरुष के कोई लक्षण होते हैं या नहीं? चार लक्षण मैंने शिविर में बताए थे, तुम्हें याद हो तो, इस शिविर में ही बताए थे। वैसे मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग लक्षण बहुत बताती हूँ, लेकिन चूंकि अभी विवेकानंद जी के प्रभाव में हूँ ना, तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के वार्तालाप के आधार पर मैंने बताए थे चार लक्षण गुरु कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले गुरु को शास्त्र के रहस्य पता होने चाहिए, मर्म, मर्म उसको क्या सिंबलाइज क्या कर रहा है, कर्म योग है तो क्या कह रहा है, भक्ति योग है तो क्या कह रहा है, उसका मर्म पता होना चाहिए। और आम के दृष्टांत से बताया था कि आम के बगीचे में कोई जाए तो वहाँ पर कितने आम के पेड़ है, कितना क्या उसका रस है, क्या उसका उसकी जेन क्या बोलते हैं तुम लोग, उसके जीन्स नहीं, क्या उसका जॉनर है, जॉनर बोलते हो हाँ, उसकी किस्म, उसकी किस्म क्या है, ये सब जानने से कुछ नहीं होगा। कितने वहाँ पर पेड़ हैं, कितनी शाखाएं हैं, कितनी टहनियाँ, ये नहीं, उसका रस कैसा है और वो रस उसके चेहरे पर झलकना चाहिए। तो ये पहला लक्षण था गुरु का कि गुरु को शास्त्र के रहस्य पता होते हैं और उसका शास्त्रों का कोई बोझ नहीं होता, उसका चेहरा तो हल्का फुल्का आनंद से भरा रहेगा, ये उसके चेहरे पर टपके तो वो गुरु है। दूसरा, गुरु पाप मुक्त होना चाहिए, बताया था ना, और गुरु पाप मुक्त है, व्यसन मुक्त है, सिनलेस है। ये कैसे पता चलेगा? हमारे भीतर भी उन पापों से आज़ादी मिल रही है। तीसरा, गुरु के निष्काम कर्म में ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने कराने की भावना होनी चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने भी सत्संग करते करते अब नेक्स्ट लेवल पर कुछ एजुकेशन के लिए हम करना चाहते हैं, आद्य फाउंडेशन को जिसके लिए एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ अ नेक्स्ट स्टेप। हमारे कर्म तो निष्काम रहेंगे लेकिन सोसाइटी के किसको कैसे बेनिफिट कर सके, उसके लिए कुछ ना कुछ होता है, हायर पर्पज़। और चौथा बताया था कि कोई ना कोई साधना पद्धति होनी चाहिए तुम्हें अपने अनुभव से कनेक्ट करने के लिए हर गुरु के पास। अगर वो साधना पद्धति नहीं है, खाली तुम्हें भगवद गीता समझा दी लेकिन कोई साधना पद्धति नहीं दी तुम्हें डे टू डे कैसे कनेक्ट करना है, तो समझो अभी अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन सद्गुरु की के ब्रैकेट में हम ऐसे लोगों को नहीं डाल सकते, क्योंकि तुम्हें अपने सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए कोई साधना पद्धति, कोई मौन साधना पद्धति, और साधना दो बताई थी, मंत्र साधना, ध्यान साधना, दोनों में से कोई भी। तो ऐसे पुरुष के कोई लक्षण होते हैं या नहीं, बिल्कुल ये चार लक्षण हैं। आत्मसिद्धि के आधार पर देखोगे तो आत्मज्ञान समदर्शिता वाला पूरा आएगा, अपूर्व अवसर के आधार पर देखोगे तो शत्रु मित्र के प्रतिवर्ते समदर्शिता वो आएगा। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से समझाया है। अभी ऐसा पुरुष हमें किस उपाय से प्राप्त हो सकता है? वाह वाह, ईश्वर कृपा। कोई ईश्वर ही किसी सद्गुरु के हृदय में ये बीज डालता है कि अब उठो और समाज का कल्याण करो, ये तो कोई ईश्वरी, क्योंकि सद्गुरु ने तो जो प्रयास किया था ना, स्वयं का छूटने के लिए प्रयास किया था, उसे तो ये सब बिना बंधन दिखता है। लेकिन ये यहाँ एक वचनामृत में लिखा है परम कृपाणु देव ने कि वैसे तो छूटने के लिए सारा आरंभ किया था लेकिन कुछ लोगों के कल्याण के लिए हमारा ये प्रवास धीरे हो गया। ये प्रवास बहुत त्वरा से पूरा करना चाहते थे लेकिन बीच में सहार का रण आ गया, ऐसा लिखा है। पीछे पीछे का एक वचनामृत है कि घणी त्वरा थी प्रवास पूरो करवानी इच्छा हती पण वचमा सहार नु रण आवी गयो। किसे कहना चाहते हैं? संसार का हित का जो भाव आता है ना, वो सहारा के रण जैसा लगता है, रण रेगिस्तान जैसा, कि पूरा होते नहीं होता इतना लंबा। ये बीच में जो जन कल्याण की भावना आती है, लोगों के भव्य जीवों को भगवान बनने का राह दिखाऊं, ये जो भावना पूरी आती है ना, ये उनके उनके भव भ्रमण को भी लंबा कर देती है। लेकिन ये भावना भी कोई ईश्वर कृपा से ही किसी सद्गुरु के हृदय के अंदर बीजारोपण होता है। तुम कितने भी जप तप कर लो, उसे तुम गुरु तुम्हें गुरु नहीं मिल जाएगा। तुम कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो और दान दे दो, इससे तुम्हें गुरु नहीं मिल जाएगा। लेकिन जब किसी गुरु के हृदय में जन कल्याण की भावना है कि ना, तभी तुम्हें गुरु मिलेगा। और वो भावना कौन डालेगा? ईश्वर। ये भावना देने वाला ईश्वर। छठा, यदि हमारे संबंधी कोई प्रसंग आए तो पूछना कि मोक्ष मार्ग की इन्हें प्राप्ति है, ऐसी निशंकता आपको है? मोक्ष मार्ग की
प्राप्ति है ऐसी निशंकता, मतलब कृपाणु देव के लिए यदि वो कुछ पूछते हैं, हाँ इस लेवल से माना जा सकता है कि अविद्यमानता में होनी चाहिए बात। ये प्रश्न जब आया तब यही होना चाहिए कि अविद्यमान हो कि इन्हें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है ऐसी निशंकता आपको है, कृपाणु देव ये परीक्षा ले रहे हैं, अम्बालाल की भी और खिमजी की भी और रेवाशंकर की भी, तीनों की परीक्षा चल रही है। आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसमें क्या परीक्षा ली इन्होंने, लेकिन ये पूरी परीक्षा का क्रम चल रहा है कि अम्बालाल आज्ञा के अधीन होके कितने निर्भय हुए, क्योंकि अभी आ रहा है वचनामृत 254, निशंकता से निर्भयता प्राप्त होती है और उससे असंगता आती है, ये उसकी भूमिका चल रही है सारी। इसलिए उनसे पूछना कि इन्हें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है ऐसी आपको निशंकता है, और है तो किन कारणों से, फाइंड आउट किन कारणों से आपको लगता है, क्योंकि वैसे तो आपके साथ पेड़ी पे बैठे हैं, वैसे तो गद्दी पे बैठे हैं, तो ये भी मोक्ष मार्गी और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है ये तुम्हें लगता है तो किन कारणों से। ये प्रवृत्ति वाली दशा में रहते हो तो पूछना कि इस विषय में आपको विकल्प नहीं आता, जब वो धंधा करते हैं तब आपको विकल्प नहीं आता कि कहीं ये लालची तो नहीं होंगे, कहीं ये मोही तो नहीं होंगे, ऑफिस में बैठे हैं अपने एयर कंडीशन यानी गद्दी पर बैठे हैं और तब तुम उनको देखते हो तो तुम्हें लगता नहीं है कि ये कोई लालची मोही व्यापारी भव का आरंभी जीव तो नहीं है। ये प्रवृत्ति इन्हें सर्वथा निष्प्रियता होगी क्या, क्या ये कामना रहित होंगे, उनसे पूछना किसी तरह के सिद्धि योग होंगे क्या, तुमने उन्हें पार्टनर बना रखा है तो इसलिए तो नहीं बनाया कि इनके कोई सिद्धि योग है, मतलब जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें से सोना निकलता है, तो इस सिद्धि योग के कारण तो ये देखो सारी परीक्षा चल रही है तीनों लोगों की कि किस तरह से पूरा प्लॉट चल रहा है। सातवां, सत्पुरुष की प्राप्ति होने पर जीव को मार्ग न मिले ऐसा संभव है क्या, सत्पुरुष की प्राप्ति होने पर आप लोगों से प्रश्न है जीव को मार्ग ना मिले, इम्पॉसिबल। मार्ग तो मिल जाएगा, तुम कितना चलते हो कितना नहीं चलते कितना पहुंचते हो नहीं पहुंचते इट इज टोटली डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मार्ग क्या है भीतर है और भीतर भी कहाँ है ये सारा तुम्हें पता चल जाएगा कैसे चलना है। इसलिए सत्पुरुष की प्राप्ति होने पर जीव को मार्ग न मिले ऐसा संभव है क्या, एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा हो तो इसका क्या कारण, वह जीव अभवी है उसे मार्ग समझ ही नहीं आया, सत्पुरुष बोल रहा है तो भी उसे मार्ग समझ नहीं आया, गूगल मैप तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, या तो तुम अंधे हो या बहरे हो, दिखाता भी तो है वो और बोलती भी है आंटी, दोनों ही काम होते हैं। अब गूगल मैप सामने है और फिर भी तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसका एक ही मतलब है तुम अंधे हो और बहरे हो, अंधे और बहरे दोनों हो। और इसलिए यहाँ पे पूछा है कि यदि सद्गुरु मिलने पर भी मार्ग की प्राप्ति ना हो तो जीव कैसा है, वो अंधा है और बहरा है, यानी अंधा यानी उसे सद्गुरु की दशा नहीं दिख रही, अंधा उसको कहा है। जीसस ने कहा जो अंधा है जो बहरा है, जो अंधा है वो प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएगा और जो बहरा है वो प्रभु की बात को सुन नहीं पाएगा, क्यों भाई, तो स्वाभाविक है, सबको पता है जो बहरा है वो प्रभु की बात को सुन नहीं पाएगा। इसमें जीसस ने कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी, कौन सी बहुत बड़ी बात की, बहरा मतलब सुन कर भी नहीं सुनना, सुन कर भी अपनी अपनी जो मति कल्पना है ना उसको नहीं छोड़ना, और अंधा मतलब जिसे जीसस में जीसस की दशा नहीं दिख रही, जिसे जीसस के अंदर बाकी सब कुछ दिख रहा है लेकिन उनका ईश्वर मिलन नहीं दिख रहा, जीसस के अंदर जिसे सदगुरु के अंदर सब कुछ दिख रहा है, मर्सिडीज में घूमते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, अच्छी फ्रेम पहनते हैं, लेकिन उन्हें उनकी दशा नहीं दिख रही, ये अंधे हैं। ऐसे अंधे लोग और जो गुरु द्वारा बताए हर बात में अपना ही अर्थघटन करते हैं, अपनी मति कल्पना और अपने आग्रहों को नहीं छोड़ते, ये बहरे हैं। ऐसे अंधे और बहरे को नहीं मिलेगा गूगल मैप, मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंधे और बहरे को, नहीं, गूगल मैप प्रिसाइज है लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। यहां पर भी सदगुरु द्वारा बताया मार्ग प्रिसाइज है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन किसको नहीं मिलता, जिसे सदगुरु में उनकी दशा नहीं दिखती और उनके वचन जब सुनता है तो वचन के ऊपर अपनी मान्यता का आरोपण करता रहता है, जो खुद मानता है वो सही है या अपनी मान्यता से टैली करता है, एक दूसरे प्रकार का वर्ग है बेवकूफ,
सच में बेवकूफ है वो। सदगुरु 10 बातें बोलेगा ना, उसमें से 4 जो उसकी मान्यता से टैली होगी ना वो सारी पकड़ लेगा, 6 जो टैली नहीं होती ना वो सारी पहले ही फिल्टर कर देगा। ये बहरे लोग हैं। तुम्हारी बात से टैली हो उसको मानना, और टैली ना हो उसे भी मानना, उसको तो और गहराई से विचार करना कि मैं तो हमेशा ऐसा ही समझा था कि एंगर नहीं करना, और हर धर्म शास्त्र यही कहते हैं कि क्रोध नहीं करना। ये बेन प्रभु ने नया संप्रदाय खोल दिया, नहीं नहीं ये मान्य नहीं है, क्रोध तो करना ही नहीं, ठीक है तो मरो जाओ, क्रोध करो, क्रोध मत करो, मतलब क्रोध कर लो, अब तुम चाहते क्या हो? तुम्हें करने को बोलूं तो कहते हो कि प्रभु शास्त्र मना करते हैं, तुम्हें नहीं करने को बोलूं तो तुम कहते हो ऐसा होता नहीं हमसे। तो मैंने भी बीच का रास्ता निकाला कि भाई ठीक है, ऐसा करते करते एक्सप्लेन करते करते धीरे धीरे सामने वाला समझ जाएगा, और क्या। तो भी तुम्हें डाउट हो रहा है, ये तुम बहरे हो, तुम अपनी कल्पना को लगाते हो ना कि ये बेन प्रभु ने ना 9 बातें सही बोली, ये एक ठीक नहीं है, तुम बहरे हो। ज्ञानी की हर बात से सम्मत होना, ये श्रीमद ने लिखा था, आगे हमने पढ़ा भी था, भले ही तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन राइट तो वही है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा इसका मतलब वो रॉन्ग हो गए। तुम्हें तुम्हारी गवर्नमेंट के कुछ रूल समझ नहीं आते तो तुम मोर्चा लेके खड़े हो जाते हो क्या पार्लियामेंट के पास? नहीं, नेवर। तुम्हें नहीं समझ में आते तो तुम क्या रूल फॉलो करते हो? वो कह रहे हैं ना, होगा तो वैसा, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। ज्ञानी के साथ भी यही संबंध होना चाहिए। यदि जीव की अयोग्यता बताने में आए तो वह अयोग्यता किस विषय की? यही विषय है, अंधा और बहरा होता है। खिमजी से प्रश्न करना कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पुरुष के संग से योग्यता प्राप्त होने पर इससे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है? ये भी अविद्यापान्ता में ही पूछा जा सकता है वैसे तो। खिमजी से प्रश्न करना कि आपको ऐसा लगता है कि इस पुरुष के संग से योग्यता प्राप्त होने पर इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि बातों की चर्चा प्रसंग अनुसार करें। एक एक बात का कोई निर्णायक उत्तर उनकी तरफ से मिलने पर दूसरे प्रसंग पर दूसरी बात की चर्चा करें। ये पहली आज्ञा है और ये हम सबके लिए है। तुम किसी से भी धर्म चर्चा करते हो ना, तो पहली चर्चा का जब तक निर्णायक उत्तर नहीं मिलता तब तक दूसरी चर्चा का आरंभ मत करो। अदरवाइज ये तुम्हारे ज्ञान का को दिखाना हो जाएगा, तुम्हारे ज्ञान वैभव को दूसरों को दिखाना होगा। यदि तुम सच में किसी को कन्विंस करना चाहते हो सत्संगों में आने के लिए, इस मार्ग में चलने के लिए, तो 1 by 1 उसके सामने प्रश्न रखो, और एक प्रश्न का जब तक निर्णायक उत्तर नहीं आ जाता तब तक दूसरी बात मत बताओ। क्षमा अपना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, आपको आना चाहिए, अभी तो उसका आंसर आया नहीं आया, तो अभी ये फुलचंद शास्त्री जी आने वाले हैं, आपको आना चाहिए, आना चाहिए। गड़बड़ मत करो, पहले उसका निर्णायक उत्तर लो। तब आए थे, आपको अच्छा लगा था, आप नहीं आए थे तो किन कारणों से नहीं आए थे, और अगर वो माठे कारण है, मतलब बहुत फालतू कारण है, तो उसे नए आयोजन के लिए इन्वाइट ही मत करो। मेक श्योर तुम्हें अपने संप्रदाय, अब ये भी एक संप्रदाय ही बन गया ना, क्या हो गया, जहां पर थोड़े लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक नया संप्रदाय बन जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने इस ऑर्गेनाइजेशन की गरिमा को कैसे बना के रखना है ये तुम्हें सोचना होगा। इसलिए कोई बात का निर्णायक, किसी से भी धर्म चर्चा करो, आज्ञा है ये, तो एक बात का निर्णायक उत्तर जब तक नहीं मिलता तब तक उसको दूसरी बात की चर्चा में मत लेके जाओ। ये आज्ञा सबके लिए है। खिमजी में कुछ समझने की शक्ति ठीक है, देखो ये परम कृपाणु देव का ज्ञान है जो बता रहा है ये। खिमजी की बुद्धि बराबर है, लेकिन योग्यता रेवाशंकर की विशेष है। दोनों में से योग्य कौन है? रेवाशंकर। योग्यता आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अति बलवान कारण है, और उनकी योग्यता इन प्रश्नों के माध्यम से उसकी योग्यता भीतर से झंकृत करनी है, हिलानी है। कृपाणुदेव स्वयं साथ में बैठे हैं लेकिन इनकी योग्यता को नहीं हिला सकते, क्योंकि उपाधि योग में है, इनको अलग दृष्टि से, पार्टनर की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञानी की दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन जब ये सारे प्रश्न पूछोगे तो चूंकि खिमजी जो है वो बुद्धि में अच्छा है, तो उसकी बुद्धि को एक नई दिशा मिलेगी, और इसकी तो पात्रता ही रेवाशंकर की अलग है, तो इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते इसकी पात्रता भीतर से सक्रिय होगी।
उपर्युक्त बातों में से आपको जो सुगम लगे वे पूछे, एक की भी सुगमता न हो तो एक भी न पूछे, तथा इन बातों का प्रेरक कौन है ये मत बताना। अब चाहे मेरी विद्यमानता में पूछो, चाहे मेरी अविद्यमानता में पूछो, लेकिन इसका प्रेरक कौन है ये अभी गुप्त रखना। ऐसा क्यों कहते होंगे? ठीक बात है, उनके एंगल से ये बात है, लेकिन अम्बालाल के एंगल से ये बात है कि मेरे ज्ञान दशा में इनकी निष्ठा कितनी है। क्योंकि जहाँ आप किसी को बोल दोगे ना कि मेरा नाम मत लेना, तुरंत वो डाउट करेगा कि ये व्यक्ति कितना ऑथेंटिक है, मतलब हाँ कि नहीं। मैं अवनीश तुम्हें कुछ कहूँ और तुम्हें कहूँ तुम ना मेरा नाम मत लेना हाँ कि मैंने कहा, इमीडिएटली यू विल डाउट माई इंटेंशन कि इसमें प्रभु की इंटेंशन कोई खोटी तो नहीं होगी। तो ये अम्बालाल की परीक्षा भी चल रही है, साथ साथ में ये तीनों की परीक्षा चल रही है। किसी को भी देख लेना, कोई भी बात आप कहो और कह देना कि ये बात ना उनसे मेरे नाम पे मत कहना, इमीडिएटली क्या होगा, ये स्वाभाविक है, ये तुम रोक नहीं सकते। लेकिन यहाँ अगर अम्बालाल में दशा आई है, अम्बालाल की पात्रता बढ़ी है, या पात्रता को भी छोड़ो, अम्बालाल को मेरे प्रति का प्रेम बढ़ा है, तो वो मेरे को कभी डाउट नहीं कर सकता। इट इज़ जस्ट फॉर दैट थिंग, ये मत बताना। खंबात से श्री त्रिभुवन दास की यहाँ आने की इच्छा रहती है, तो इस इच्छा में मैं सम्मत हूँ। आप उन्हें रतलाम से पत्र लिखें, तो आपकी बम्बई में जब स्थिति हो तब उन्हें आने की अनुकूलता हो तो आने में मेरी सम्मति है, ऐसा लिखिएगा। ये अम्बालाल के साथ ना ये होता है, ये त्रिभुवन दास को साथ साथ खींच लेते थे। मतलब अम्बालाल और त्रिभुवन की इतनी पक्की दोस्ती थी, जैसे आप लोगों की थी ना, तो वो एक आया ना अम्बालाल तो हर जगह त्रिभुवन को भी खींचता था साथ में, कि जहाँ मैं जाऊँ ना वहाँ जैसा भी हो, दो घंटे का भी समागम हो ना, त्रिभुवन तू भी आ। इसलिए खुद तो करेंगे लेकिन साथ में त्रिभुवन के लिए भी उन्होंने रास्ता खोला है। दिस इज द रियल फ्रेंडशिप, अम्बालाल और त्रिभुवन ऐसे पक्के दोस्त थे। आप उन्हें रतलाम से पत्र लिखना और आने का हो सके तो आ जाए। आप कोई मुझसे मिलने आए हैं यह बात खिमजी आदि से भी न कहना, यहाँ आने का कोई व्यावहारिक कारण हो तो उसे अवश्य खिमजी से कहना। मतलब ये आकस्मिक हम लोग मिले हैं ऐसा ही रखना, ज़्यादा बताना मत, ये सब लिखना पड़ता है। फाइनली आंसर दे रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, ये सब लिखना पड़ता है, इसका उद्देश्य मात्र यह एक प्रवृत्ति योग है। मैं जिस प्रवृत्ति से इनसे जुड़ा हूँ, जिस पार्टनरशिप के बॉन्ड से इनके साथ जुड़ा हूँ, और उसमें मुझे ऐसी ऐसी कुछ प्रवृत्ति अभी आगे भी करनी है। अभी और 4 साल ये धंधे में थे, 28 तक चला था, ये 24th ईयर है, तो 28वें साल तक 4 वर्षों में मुझे कुछ ऐसी बातें करनी है, मतलब व्यापार के अंदर, कि उस अभी जो कुछ कहूँगा और मेरी उस प्रवृत्ति के कारण उन्हें मेरे अस्तित्व पर शंका हो सकती है, और मेरे अस्तित्व पर शंका करना यानी पूरे मोक्ष मार्ग पर शंका करना। कोई भी तरह से ऐसा कोई कारण नहीं कभी आसपास में बनने दो कि लोगों को सत्पुरुष पर शंका होने लग जाए, क्योंकि वो इतना बंद जाता है ना, जितना सामान्य 1000 लोगों के प्रति उल्टा विचार करके नहीं बनता ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा केवल एक सत्पुरुष के प्रति एक खोटे चिंतन से जीव बनता है। इसलिए हमारे आचरण में, हमारी प्रस्तावना में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सत्पुरुष के प्रति का शंका या उनके प्रति की कोई ना कोई आशंका जीव के अंदर में उत्पन्न हो। इसलिए यहाँ पर बार बार मना कर रहे हैं कि मेरा इनके साथ जो आगे 4 वर्ष का भी जो प्रवृत्ति योग रहने वाला है, उसमें अभी यदि उनको पता चल जाए कि मैं सत्पुरुष हूँ, तो उन्हें या तो मेरे सत्पुरुषत्व पे डाउट होगा, या मेरा 4 वर्ष का जो उदय काल है उसके अंदर कोई खलल पहुँचेगी। यहाँ आने का व्यवहारिक कारण हो तो उसे अवश्य खिमजी से कहना। ये सब लिखना पड़ता है क्योंकि प्रवृत्ति योग है, ईश्वर इच्छा बलवान है और सुखदायक है। वाओ, बलवान है, ऑल्दो हमें अच्छा नहीं लग रहा इसमें, लेकिन फिर भी सुखदायक है क्योंकि हम अपने आत्मस्वरूप के साथ पूरे पूरे जुड़े हुए हैं। यह पत्र वारंवार मनन करने योग्य है। किसको? अम्बालाल को। इन सब प्रश्नों के उत्तर बार बार कहीं ना कहीं लिख लेना अपनी डायरी में भी। बार बार मनन करने योग्य है, वारंवार मन में यह उठता है कि क्या अबंध बंधन युक्त हो सकता है? आप क्या मानते हैं? क्वेश्चन पे छोड़ा है।
क्या अबंध बंधन युक्त हो सकता है? आप क्या मानते हैं? प्रश्न पूछा है आप सब अंबालालों से। अबंध बंधन में हो सकता है? अबंध यानी आत्मा, आत्मा, अबंध यानी आत्मा की बात हो रही है। क्या अबंध ऐसा आत्मा, अनंत, असीम, असीम को कोई बांध सकता है क्या? तो क्या माने, अबंध बंध सकता है? आप क्या मानते हैं? आप खुद कह रहे नहीं बन सकता, तो आंसर तो आ गया, नहीं बन सकता। कर्मों के उदय से बंधन, ठीक है, अंतिम प्रश्न है, चलो बोलो। मन से बंधन होता है, ठीक है। अगर हम मतलब अब ये तो अपेक्षाएं लानी पड़ेगी, पूरी स्यादवाद शैली यहीं लगेगी हमारी, अनेकांतवाद यहीं काम आएगा। किस एंगल से, किस एंगल से बोल रहे हैं ये हमेशा ध्यान रखो। डिपेंड्स, हाँ। क्या अबंध बंधन युक्त हो सकता है? अगर मन और शरीर को मैं मानते हो तो बंधन में हो सकते हो। यदि अपने आप को मन और शरीर नहीं मानकर चैतन्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम ऐसा मानते हो तो कभी भी बंधन नहीं हो सकता। यही बंधन दशा में रहकर अबंध स्थिति का अनुभव करना है। मेक श्योर तुम ये नहीं कर सकते कि सारे बंधन गिर पड़ेंगे और फिर ऊपर जाके अबंध दशा का अनुभव करेंगे। नो, यहां पर तुम मन बुद्धि शरीर के साथ का जो एक एकमेकता तुमने कर ली है ना, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी समझ, मेरी सोच, मेरे फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, ये जो तुमने उसके साथ एक रूपता कर दी है, एकमेकता कर दी है, जब तक वो एकमेकता है तब तक बंधन है। जहां तुमने जाना कि मेरी सत्ता क्या है, साक्षी मात्र इनको जानने वाला, कोई आया है विचार, ठीक है, तूफान उठा रहा है भीतर, लेकिन मैं ये तूफान नहीं हूं। ये तूफान किसका है? मन का, विचारों का, भावों का आवेश आ जाता है, वो तूफान कहां चल रहा है? मन में चल रहा है। और जो मन, आत्मज्ञान क्या है तुम्हें मालूम है? आत्मज्ञान कितनी बार कहती हूं लेकिन आज एक नई अपेक्षा बताती हूं। आत्मज्ञान क्या, कि समुद्र में एक लहर उठी है और उस लहर को यह खबर हो जाए कि मैं समुद्र हूं, इसे आत्मज्ञान कहते हैं। इतना छोटा काम करना है बस। कहीं से अबंध आत्मा को लाना नहीं है, अबंध आत्मा को लाना नहीं, आत्मा अबंध स्वरूप ही है, लेकिन उस स्वरूप को हमने वैसा समझा नहीं, हमने यही समझा कि यह बंधा हुआ है। नहीं, लहर है वो सागर है कि नहीं है? सागर है वो लहर है कि नहीं है? वो दोनों अलग अलग भी है कि नहीं है? तभी तो आप बोलोगे ये लहर है और ये सागर है। दोनों अलग भी है, दोनों एक भी है, दोनों एक एक एकम एक भी है, एक में दूसरी मिली भी हुई है। इसी तरह अबंध भी है, बंधन भी है। डिपेंड्स ओनली अपॉन यू कि कभी कोई ऊंची लहर उठ जाए भावों की, विभावों की, क्रोध की, या परमात्मा के प्रति के प्रेम और भक्ति की, वो भी लहर है। परमात्मा के प्रति के प्रेम और भक्ति उठे, वो भी एक लहर है। लोगों के प्रति का क्रोध और मान आदि का भाव उठे, वो भी लहर है। लेकिन इन दोनों उठती लहरों में मैं लहर नहीं, समुद्र हूं। खाली इतना स्मरण हो जाना, इसी स्मरण को आत्मज्ञान कहा जाता है। दिस नीड्स प्रैक्टिस, और वो हाई टाइड में नहीं होगा, प्रैक्टिस होगा लो टाइड्स में। जब तुम्हारे थोड़े 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 मूड फ्लक्चुएशंस है ना, उसी में कि ठीक है आज खाने में नमक ज्यादा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाने में नमक ज्यादा होता है कभी? हाँ, सब्जी में नमक ज्यादा होता है? सब्जी में नमक ज्यादा होना, मुझे तो ये भाषा भी समझ नहीं आती कभी कभी, लेकिन चलो ठीक है, ऐसा रख लो कि सब्जी में नमक ज्यादा है तो तुम्हें थोड़ा आवेश आया, थोड़ा,
और आवेश के समय ही, उस आवेश की लहर के साथ ही, अरे मेरा कार्य क्या है जानना। आवेश किसका कार्य है? मन का। आवेश के समय में ये सही है कि गलत है ऐसा निर्णय करना किसका कार्य चल रहा है? बुद्धि का। आवेश प्रकट किसके माध्यम से हो रहा है? शरीर के माध्यम से। लेकिन मैं शरीर मन और बुद्धि नहीं हूं, उस आवेश के क्षण में ही ये भास होना, भास आवेश के क्षण में, उसके बाद नहीं, उसी समय ये, इट नीड्स प्रैक्टिस। हम लोगों ने सालों प्रैक्टिस की, इसी को भेद ज्ञान कहते हैं। उस समय ये प्रैक्टिस है, ये ठीक है, ये सब हो रहा है, लेकिन आई एम नॉट दैट। ये लहरें उठ रही है, ये छोटी छोटी लहरें उठे ना, परमात्मा प्रेम की भी छोटी लहर उठे ना, तो उस प्रेम में, अरे कोई बात नहीं, प्रेम है, प्रभु आपने ही दिया, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं तो इससे भी अबंध हूँ। यानी अबंध बंधन युक्त हो सकता है, डिपेंड्स। तुम शरीर मन और बुद्धि के स्तर पर खड़े हो तो बंधन में है, तुम उसको छोड़कर मैं के पक्ष में खड़े हो, ऊपर आता है ना अपना मैं और नीचे शरीर मन और बुद्धि, तुम मैं के पक्ष से बात कर रहे हो तो अबंध कभी भी बंधन में आया नहीं, कभी भी हो नहीं सकता। और ये सब क्या लिखा, प्रश्न कितना अच्छा दिया, आप क्या मानते हैं? सारा जोर मान्यता पे है, होने पे कोई जोर ही नहीं है, तुम्हारी मान्यता क्या है। तुम स्वयं को बंधन में मानते हो, इसका मतलब तुम किस एंगल पर खड़े हो, शरीर मन और बुद्धि, और तुम अपने आप को अबंध मानते हो, मतलब तुम अपने आप को किस एंगल से देख रहे हो, आत्मा। ये मोक्ष का मार्ग है। आते रहेंगे बढ़िया बढ़िया ऐसे वचनामृत, इन प्रश्नों के समाधान अपने हृदय पर टाकना। इस जन्म में यात्रा पूरी भी नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये समाधान भी तुम्हारे हृदय पर टंके होंगे ना, टांकना तुम जानते हो किसको कहते हैं? हाँ, वो जैसे पत्थर पर कील से कोई चीज़ ऐसे टांकना उसको, एनग्रेव करना। तुम लोग बोलते हो ना, टंकोत कीर्ण व सदोदित जयवंत रहे, यानी टांक दो अपने हृदय पर इन बातों को, ऐसा टांको कि बिना सदगुरु के कभी मार्ग मिलने नहीं वाला। सदगुरु मिलने में देर हो तो वो तुम्हारा दुर्भाग्य है, लेकिन बिना सदगुरु के हम चल पड़ेंगे? नेवर पॉसिबल, नेवर। कोई ना कोई तो चाहिए जो तुम्हें बंधन में भी अबंध दशा को की तरफ भान करा सके, उसका स्मरण करा सके। आज बस इतना है।